प्रिय दोस्तों, ये देश प्रेमी योगी वीरेंद्र योगी आपका अभिनंदन करता है और आपसे गुजारिश करता है, अनुरोध करता है कि हम सभी भारतीयों का उत्तरदायित्व तो है, बेटी और बेटों का, बहन और भाइयों का, कि हम सबसे पहले अपने देश को अत्यधिक प्यार करें। और जब आप प्यार करेंगे तो कुर्बानी देनी होगी। तो पहला जो कुर्बानी का सीढ़ी है, स्टेप है, वो है अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना, शरीर से सबल, मस्तिष्क से अनुशासित, ज्ञानी विवेकशील विचारवान, बुद्ध और भगवान के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को अत्यधिक आधुनिक बनाना। आप में इतनी बुद्धि हो, आप में इतना विवेक हो, आप में इतनी क्षमता हो कि सत्य का एहसास कर सके। जैसे सूर्य और चंद्र हैं, सत्य भी वैसे ही अडिग रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य में भी जयते की नारा आपने सुने होंगे। तो यही सबसे बड़ा देश प्रेम है। देश प्रेम है स्वतंत्रता, आस्था, विश्वास, सत्य, न्याय, शांति और अहिंसा पर चलते हुए अपने शरीर, मन, वचन, कर्म से हर भारतीयों की सेवा करने की भावना। देश के लिए सच्चा प्रेम होता है जब आप देशवासियों को अपने अश्रु श्वेत रक्त से उनको कुछ देते हैं। देश प्रेम होता है जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद हुए, उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन देश के लिए प्रेम था। जब हमारा देश गुलाम था, हमारी कमजोरी के कारण हमारे लोगों में देश प्रेम की कमी थी, वो विदेशियों की सहायता करते थे, उसके चमचे बन गए थे और आपस में फूट डालते थे और विदेशियों की शक्ति बढ़ाते थे, अपने लोगों की चुगलियां करते थे, शिकायत करते थे और अंग्रेज़ों का हाथ मजबूत करते थे। हिंदुस्तान की ये परंपरा रही कि 1200 वर्षों तक हमारा हिंदुस्तान गुलाम रहा। एक ही कारण था कि देशभक्ति की कमी थी, लोगों में देश प्रेम की कमी थी, लोग स्वार्थी थे, पशु थे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने विदेशियों का सहायता किया और अपने भाइयों को मरवाया। जयचंद की बात कौन भूल सकता है, उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने का प्रयत्न किया, मोहम्मद गोरी को उसने पूरी रहस्य बताए और इस तरह से हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो हमारे लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं, देशभक्त थे, उनकी भी हत्या करवाई। इसीलिए आपसे मेरा विवेचन है, आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे मेरा गुजारिश है कि आप देशभक्ति की निष्ठा को अपनाइए। और बॉटम लाइन यही है, उसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। सत्य क्या है? सत्य है कि जीवन क्षण भंगुर है। सत्य यह है कि हम यहाँ एक एक्शन हीरो की रोल कर रहे हैं। तो झांसी की रानी बनो मेरी बेटियों, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद बनो मेरे बेटों, और हमेशा देशभक्ति की भावना हो, देशवासियों के लिए मरने और जीने की तमन्ना हो, जैसे कि बाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन पाल और अनेक ऐसे महान व्यक्ति हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर, और बहुत असंख्य ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने देशभक्ति की भावना लोगों में जगाई, चेतना जगाई। भले उन्हें आप नहीं याद करते हों लेकिन याद रखिए, ये अजीब दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ, ये महान पुरुष, ये मर्यादित महामानव अपने लिए कभी नहीं जिए। वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यही हमारी मनुष्यता है कि अपने देश प्रेम के लिए और अपने देशवासियों के लिए हम सब कुछ लुटा दें, सब कुछ मिटा दें। कभी स्वार्थ नहीं हो, काम क्रोध मद लोह मोह पर नियंत्रण हो और एक ही शब्द निकले, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद।